Hello, dear class 5 students. I think all of you will be fine at your home. So, today we will do unit 4 Vedic Maths. What will we do? Vedic Maths. In unit 4, in Vedic Maths, we will do subtraction. With which formula? By using Ekan, Yenen, Purven and complementary digit. जैसा कि आप जानते हैं, as you know, कि हम पहले भी इस एक्सरसाइज को कर चुके हैं ना. जब आप अभी स्कूल आ रहे थे तो हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश किया था. लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को एक बार फिर अपनी इस ऑनलाइन क्लास में करेंगे. ऑनलाइन क्लास में मैं आपको ये यूनिट इसलिए करा रही हूँ ताकि आप घर पर बार बार इसको थोड़ा देखें और समझें. अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये चीज़ मुझे वापस रिवाइंड करके देखनी है, तो आप उसे अपनी इस वीडियो में रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो स्टार्ट करें अपना वर्क. सो बेटा, इन अवर एक्सरसाइज 5.1 वी हैव सबट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एकान, यूनियन, प्रूविन एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट. एंड फॉर दिस वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन ए, वी हैव 82 - 54. वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस 54 फ्रॉम 82, बट we have to use this Ekan, Yenen, Purven and complementary digit method. इस method को हमें use करना है. तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें आपसे ये कहा था कि जब हम subtraction करते हैं इस method से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ये जो digit है 2, क्या ये 4 से greater है या small है. तो आपको पता है कि 2 जो है वो 4 से small है. जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में हम बोरो लेते हैं, यस और नो, कि यहाँ बोरो नहीं देंगे. यहाँ हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे डिजिट 4 है, सबसे पहले आप उसे नोट करेंगे और इस 4 के आगे प्लस करके डैश करा के क्रिएट करें. यानी कि यहाँ पे हम इस 4 से इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट फाइंड करेंगे. तो हमने 4 से क्वेश्चन किया कि व्हाट्स योर कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होता है बेटा, याद है या भूल गए? याद है, वेरी गुड. कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट मीन्स कि हम जो हमें यहाँ पे नंबर गिवन है उससे हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपके साथ में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास टोटल 10 आ जाए. क्या क्वेश्चन करते हैं हम बेटा? यस, हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि इस नंबर के साथ में क्या प्लस करूँ कि मेरे पास इसके साथ 10 आ जाए. तो एज यू नो कि हमने जब 4 से क्वेश्चन किया तो क्या आंसर आया मेरे पास, क्या डिजिट आया? 6 डिजिट आया. यस, वी नो दैट 4 + 6 इज इक्वल टू 10. 4 के साथ में जब हम 6 प्लस करते हैं तो 10 आता है. तो जो ये 6 डिजिट है ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है. क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट फाइंड करना आपको आ गया, ठीक है. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट जो यहाँ पर आया है मेरा 6, इस 6 को मैं ऊपर 2 के साथ ऐड करूँगी. क्या करूँगी? 2 के साथ प्लस करूँगी, ठीक है. तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8. तो ये जो आपका 8 आया है ये मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ, ठीक है. एक बार फिर समझेंगे हम कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एकान, यूनियन, प्रूविन एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट के मेथड से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये डिजिट है ये डिजिट नीचे 4 से स्मॉल है या बिग है. अगर ये स्मॉल है तो हम नीचे इस 4 से इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पूछते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट आया है उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो मेरे पास ये आ गया 8, क्योंकि यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लिया था, इसीलिए मुझे इस 8 के नीचे डॉट लगाना है. ये डॉट किसके नीचे है? 8 के नीचे. ये डॉट क्या है? ये एकान, यन, पूर्वेन है. क्या है बेटा? एकान, यन, पूर्वेन. क्लियर? एकान, यन, पूर्वेन में हम क्या करते हैं कि जो ये डॉट होता है ये इसका मतलब होता है 1. ये डिजिट का, ये जो हमने डॉट लगाया है, इस डॉट की वैल्यू क्या है? इस डॉट की वैल्यू है 1. और जब ये किसी के नीचे लगता है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है. क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्ट. और सब्ट्रैक्ट एकान, यूनियन, पूर्वेन का मतलब है कि ये डॉट इसके किसके नीचे लगा है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा. क्लियर? इट मीन्स 8 - 1 इज इक्वल टू 7. यानी 8 में से जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा? 7 आएगा. अब आपको पता ना ये 8 कहाँ से आया मैम? ये 8 कहाँ से आया बेटा? ये 8 यहाँ पर है और क्योंकि यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लिया था, ये स्मॉल था, इसीलिए मैंने इसके नीचे डॉट लगाया है और इस डॉट को, डॉट का मीन्स है 1 और ये इसमें से हो गया
सबट्रैक्ट, 8 में से 1 माइनस किया तो क्या आया 7, क्योंकि ये जो 7 है, 7 आया आपके पास यहां पर, ये जो 7 है क्या ये 5 से स्मॉल है? नहीं है। तो जब इस तरह से बिग डिजिट होता है ऊपर तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, एंड सो राइट इट हियर 2, इट मींस आवर डिफरेंस इज 28. When we subtract 54 from 82, what we get? We get 28. 28 is our answer. Clear, beta? So, just write down in your notebook. या आप अपनी notebook में लिखेंगे. Clear? आपको clear हो चुका है? A. चलिए एक example हम और करते हैं. Let's do 2. Question number 2. So, आपने शायद नोट डाउन इसे कर दिया है, आप स्टॉप करिए वीडियो और आप इसे अपनी नोटबुक में आराम से लिख लीजिए, ठीक है? और अब हम आते हैं किस पे, नंबर सेकंड पे. दूसरा एक चीज ध्यान रखिए, डायरेक्ट इस तरह से करके हमें नोट नहीं करना है, हमें उसके सारे स्टेप्स भी करने होते हैं, क्योंकि विदाउट स्टेप्स हमारा ये आंसर कंप्लीट नहीं होता है और हमें इसमें मार्क्स भी नहीं मिलते. क्लियर? सो जस्ट सेकेंड वन, एंड इन सेकेंड वन वी हैव 66 माइनस 48, 66 माइनस 48, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वन, एंड सो हाउ विल वी सब्ट्रैक्ट? आप पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे जो 6 है क्या वो 8 से स्मॉल है? यस, स्मॉल है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब इससे स्मॉल आता है, डिजिट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले से उसको कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पूछते हैं. यस, सो फर्स्ट वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 8. सो वी नो दैट कि 8 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट मींस 8 के साथ क्या प्लस करेंगे, 10 आ जाए, तो 8 के साथ मैंने प्लस किया 2. सॉरी, सो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10. इस 2 को जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट आता है वो किसके साथ प्लस होता है, ऊपर इसके साथ. इट मींस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8. सॉरी बेटा, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, सो राइट इट हियर. ये हमारा 8 आ गया. अब आप जानते हैं कि जब हम यहाँ से स्मॉल डिजिट होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेकर के ऐड करके लिखते हैं, तो हम यहाँ डॉट लगाते हैं इसके नेक्स्ट नंबर के नीचे. ये क्या है, एक आन ये है, पूर्व ये है. इट मीन्स कि 6 में से डॉट मीन्स 1, 6 में से 1 को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट. बेटा कितना आएगा, 6 माइनस 1 आया 5. और आपको पता है ये जो 5 है ये 4 से ग्रेटर है. यस, जब ग्रेटर है तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 2 कितना आएगा 1. इट मीन्स 18 इज योर आंसर. ठीक है, 18 कैसे आया उसके लिए हमें ये स्टेप्स नोट करने हैं. विदाउट स्टेप्स आपके ये आंसर क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, और आपके अगर आंसर करेक्ट नहीं है तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको बिल्कुल स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख पुट अप किया, फिर 6 इज ग्रेटर और स्मॉलर देने, हमें आंसर क्या आया स्मॉलर, तो हमने 8 से इसका क्या लिया कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट. कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट जो आया क्या आया, 2 आ गया, उसको से प्लस किया 2 प्लस 8, यहाँ मैंने डॉट लगाई, इसमें से इसको माइनस किया 5, 5 = 1. क्लियर? नाउ वी फिनिश फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हियर, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम, 4 करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो थर्ड वन है आप अपने आप करें. क्वेश्चन नंबर 4 हियर, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज 342 माइनस 143. ओके, सो फर्स्ट वी राइट स्टेप्स, बिकॉज विदाउट स्टेप आवर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. यस, फर्स्ट वी पुट द क्वेश्चन हियर दैट 2 इज स्मॉलर और ग्रेटर देन 3.
हमने सबसे पहले क्वेश्चन पुट अप किया कि 2 जो है वो 3 से ग्रेटर है या स्मॉलर है. आंसर क्या आया? आंसर आया ग्रेटर, नहीं है स्मॉलर. क्लियर? मींस अगर ये स्मॉल है 2 3 से तो हम इससे इसका क्या पूछेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पूछेंगे. क्या पूछेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पूछेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हमने इससे क्या पूछा? यस, आपके साथ में क्या ऐड करूं कितना आ जाए? 10. क्लियर? आंसर क्या आया बेटा आपके पास में? 7. ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट आया था 7. उस 7 को हम इसके साथ क्या कर देंगे? प्लस. तो 7 + 2 कितना आया बेटा? 9. जस्ट राइट इट हियर, है ना सिंपल. अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट किया था इसलिए इसके नीचे क्या मिल जाएगा? डॉट. एंड वी नो दैट 4 - 1 डॉट मीन्स 1. सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3. 4 - 1 इज इक्वल टू 3. एंड 3 जो आपके पास इधर आ गया 3. अब ये 3 जो है वो 4 से वापस क्या है? स्मॉल है. यस, अगेन इट इज स्मॉलर देन 4. तो इसलिए हम क्या करेंगे? 4 से इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट पूछेंगे. द कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 4 इज 6. 6 आया है. 6 को 3 के साथ क्या करना है बेटा? आपको ऐड करना. 6 + 3 = 9. अगेन राइट इट हियर, 9. अब आपने फिर से, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्मॉल था, दैट्स व्हाई वी पुट डॉट हियर. एंड डॉट मींस 1, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 2. सो ये आपका आ गया 2. एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 1. सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1. राइट इट हियर 1. सो हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 4. अब आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ. आपको मैंने ये क्वेश्चन समझाए बिल्कुल इसी मेथड से हमें क्वेश्चंस करने हैं. तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मैंने कराया, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे और समझेंगे. क्लियर बेटा? इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स देन यू कैन कॉल मी ऑन माई दिस व्हाट्सएप नंबर. आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं. देखिए प्रैक्टिस पहले खुद करनी है. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कुछ भी ना करें, डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर दें मैम. और एक कभी भी कोई ऐसा नहीं, रात के 10 बजे आप मुझे फ़ोन करें या सुबह 5 बजे करें, 6 बजे करें, नहीं. क्योंकि स्कूल टाइम भी हम स्कूल में रहते हैं, ठीक है ना. तो आपका जो कॉल टाइम है आपको पहले ही बता चुकी हूँ. आप 4 PM से 5 PM 1 आवर आपके पास होता है. शाम को आप उस समय मुझसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते. क्लियर बेटा? सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. And take care at your home. Bye, beta. Bye.